सांसद शांता कुमार ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पंडित सुखराम पर निशाना साधा। शांता कुमार ने कहा कि सुखराम दल बदलू हैं। सुखराम ने पहले अपने बेटे को बीजेपी में भेजकर मंत्री बनाया और अब पोते को कांग्रेस से टिकट दिलवाया है। सुखराम आज भी जमानत पर रिहा हैं। शांता कुमार ने कहा कि सुखराम ने 5 बार दल बदला और हिमाचल को बदनाम किया। पिछले 3-4 महीने पहले मैंने उनकी धर्मपत्नी पूनम से बात की। मैंने कहा, पूनम भाभी तुम क्या कर रहे हो, उसको समझाओ, भाजपा को उसकी ज़रूरत है। और मैंने कहा, याद रखो, उसको भी भाजपा की ज़रूरत है। मैंने बहुत आग्रह किया तो पूनम ने कहा, ठीक है भाई साहब, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर अखबार में मैंने एकदम खबर पढ़ी कि पूनम भी किसी और पार्टी में जाकर लखनऊ से राजनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा, पूनम, मैंने तुम्हें कहा था शत्रुघ्न को समझाओ, तुम तो खुद उनके साथ चल गए। तो बहुत कुछ कहा उसने गिरीश, कि हम कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम के जाने को अपना व्यक्तिगत हानि मान।